पिछले वीडियोस में बताता हुआ आ रहा हूँ कि इंसान किसी भी हालत में खुश नहीं है। इस मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बताता चलूँ, मैं भी एक मौसमी परिंदे की तरह स्कर्दू से रावलपिंडी का सफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि स्कर्दू में सर्दी बढ़ गई है और इस सर्दी से बचते हुए यानी मैं भाग रहा हूँ। इस भाग दौड़ के पीछे मैंने बहुत कुछ सीखा, नए नए दोस्त बनाए, नए नए खाने खाए और नई नई जबानें सुनी। मलक समर बाद साहब, इनका ये चैनल है, बहुत शानदार मौसम है और जो लोग सीज़न में आते हैं उनको चाहिए कि ऑफ भैया कितना टाइम लगेगा? 3 घंटा। अनफॉर्चुनेटली इधर हमें भी 3 घंटे लगेंगे और भूख भी शदीद लग रही है। फौजी भाई बता रहे हैं कोई 3 घंटे लगेंगे इधर से। हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय वेट करने के, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे गए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो जैसा कि मैंने आपको बताया रोड ब्लॉक हुआ है, अगले 3 घंटे तक वो रोड खुलने का कोई चांस ही नहीं है, फौजी भाई ने बताया था हमें। तो इसलिए हम इधर आए वापस, हमने यू टर्न लिया है, खाना खाएंगे और फिर थोड़ा सा आराम करेंगे। उधर रोड में बैठ के क्या करेंगे यार, इसलिए बस उधर कोई जड़ने की जगह भी नहीं थी। इधर हम आए, खाना छाना खाएँगे, फिर आराम से 3 घंटे जब हो जाएंगे हम निकलेंगे इधर से, तो फिर मिलते हैं। हम अभी आए दिल्ली टू स्कर्दु रोड के 5-स्टार होटल में। हमने इधर बिरयानी मंगवाया है और कढ़ाई मंगवाया है, हंडी मंगवाया है, भाई कुछ नहीं मंगवाया, झूठ बोल रहा, कुछ नहीं मिलता, दाल मिलती है और लोबिया। मैं अब आपको स्कर्दु का रोड दिखाता हूँ, इतना खतरनाक रोड है। You I know that this is
हम अभी जुगलोट पहुँचे हैं। इधर हमने गाड़ी चेंज की है, वो पिछली वाली गाड़ी में कोई टेक्निकल फॉल्ट आया था, तो मैं भी आपको गाड़ी दिखाऊंगा हमारी, हम किस गाड़ी में थे और किस गाड़ी में हम आए। अभी हम गालिबन छिलास पहुँचे, इधर ड्राइवर ने कहा चाय पीते हैं, तो ड्राइवर साहब चाय पीने गए और रास्ते में मैं स्कर्दू के रास्ते में मैं सो गया था यार, इसलिए आपको स्कर्दू का रास्ता सही से ना दिखा पाया। हाँ, जहाँ तक जहाँ पे वो रोका था हमें, उधर बस मैं सो गया था, इसलिए वो मिस हो गया यार, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, फाइनली हम इधर पहुंचे हैं शाम, अभी इधर नाश्ता करने के लिए रुके हैं और हम पिछले 20 घंटे से सफ़र में, ठीक है ना, गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं 20 घंटे से, 12 घंटे हमें स्कर्दू से जुगलोट लगे और बाकी के 8 घंटे हमें जुगलोट से बिशाम के लगे हैं, और अभी हम नाश्ता करते हैं, देखते नाश्ते में क्या है। रेंट कार में आने से पहले एक दो मरतबा सोच लीजिएगा, क्योंकि रेंट कार वाले जो ड्राइवर होता है वो अकेला होता है। मैंने लोगों से सुन रखा था कि इस पे सफ़र करना खतरे से कम नहीं है रेंट कार पे, और ये आज मैंने एक्सपेरिमेंट भी, मुझे अंदाज़ा भी हुआ, क्योंकि रेंट कार में सिर्फ एक ही ड्राइवर होता है, जबकि जो पब्लिक सर्विस होती है, नटको हो गई इधर की, केटू हमालिया हो गई, जो सर्विसेज हैं उनमें डबल ड्राइवर होते, तो बंदा अगर थक जाता है तो दूसरा ड्राइवर आता है और वो चेंज होकर उनकी, मतलब वो मेंटली वो होते हैं, एक आ जाता है तो दूसरा सो जाता है तो वो फ्रेश होते हैं, जबकि ये जो ड्राइवर होता है फ्रेंड कार का, ये बेचारा पूरे 20 घंटे से हम अभी तक अभी कम्प्लीट नहीं हुआ सफ़र, 21-22 घंटे हो गए और सफ़र खत्म नहीं हुआ और ये थका हुआ भी है, खुदा ना खास्ता इस बंदे को नींद आ जाए और ये कहीं थक दे तो गए ना, अल्लाह हाफिज़ से फरमाया।
बीच रावलपिंडी। मैं रावलपिंडी पहुंच गया हूं और मेरी जर्नी ख़त्म हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।